तुम भी आ जाओ, जल्दी से खा लो। डायनासोर और छोटू गैंग मेरा इंतजार कर रहे हैं, मैं यहाँ से बाहर निकलूँ एकदम से ये पानी में आए और नहाना शुरू कर दें। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैरियत होंगे। यार काफ़ी देर से मैं पूल की सफाई कर रहा था और पूल को भर रहा था, अब तकरीबन पानी भर चुका है तो मुझे यहाँ से निकल जाना चाहिए क्योंकि ये काफ़ी देर से इंतज़ार करें। देखें जो ही मैं थोड़ा सा पीछे को हटाऊँ ना, ये एकदम से पानी के पास आ चुके हैं। अब ये पानी को पियेंगे और साथ में नहाना शुरू कर देंगे। ओहो भालू फिर मुझसे नाराज हो गया क्योंकि भालू को हमने नहला दिया, और जिस दिन भी मैं भालू को नहला देता हूँ ना भालू, उसके बाद एक दिन तो मेरे से नाराज रहता है। यार ये एक दो दिन से बाहर घूमने के लिए जा रहे हैं ना, काफ़ी ज़्यादा गंदा हो जाता है और गंदा यहाँ पर ही घूमता हुआ अच्छा नहीं लगता, तो इसलिए फिर भालू को नहला दिया। अभी थोड़ी सी देर तक हम बेला को भी नहलाएंगे। यार नहल लगाने वाले चाचा आ चुके हैं, पिछले 3 दिनों से हम इनके पीछे थे, ये मिलते ही नहीं थे और आज हमें पता ही चला ये पहुँच चुके हैं। और इन्होंने एक पाँव को यानी कि ये जो राइट वाला है इसको इन्होंने साफ कर दिया, और अभी बस फोर शूज़ जो होते हैं ना वो ये लगा देंगे, उसके बाद फिर दूसरे को लगाएंगे। अभी ये देखें ये कितना ज़्यादा ख़राब हो चुका है यहाँ, इसी तरीके से ये वाला भी ख़राब था लेकिन इसको ना साफ़ कर दिया, ये ऐसा इससे बिल्कुल प्लेन किया। और अभी इसके नीचे वो चीज़ लगेगी, मैं आपको भी दिखाऊंगा जब ये लगाएंगे, फिर दूसरे पाँव को लगेगी और फिर इन पाँव के बारे में। हाँ ये वाला है ना, ये तैयार हो गया है, ये इसका है, ये अभी यहाँ पर लगेगा इस जगह पर, नीचे ही ना, और फिर दूसरे वाला वो तैयार कर रहे हैं, उसके बाद 2 लग जाएंगे। फिर ये कह रहे हैं कि हम इसे घुमा फिरा के चेक करेंगे, उसके बाद ही ये जो पीछे वाले 2 पाँव है ना इनके बारे में सोचा जाएगा। कौन सी वाली कीले हैं? अच्छा ये कोई अलग किस्म की कीले होती है, मुझे लगा कि शायद स्टील की छोटी छोटी कीले होंगी। ये तो इतनी ज्यादा बड़ी कील है, ये इसके पाँव में दर्द नहीं करेगी? ये तुम लगाओगे तो दर्द करेगा। अच्छा आप लगाएंगे दर्द नहीं करेगी? मैं लगाऊंगा तो दर्द नहीं होगा, तो फिर मैं लगाऊंगा तो। ये कितनी बड़ी है यार, ये देखो जादू करेगा ना ये, अभी चाचा जी जादू करने वाले हैं। चाचा इस तरफ कीले लगा रहे हैं और रोज़ थोड़ी थोड़ी ना मस्तियाँ शुरू कर रही है, तो इसको मैं जाके तसल्ली देता हूँ। कोई बात नहीं, अभी तुम्हारे पाँव जो है ना अच्छे से ठीक हो जाएंगे, उसके बाद फिर तुम भागना शुरू कर दोगी ना। अच्छा अच्छा इसको कुछ खिलाते हैं लाकर। गुड़ किधर है? ये रहा, थोड़ा सा गुड़ पड़ा हुआ है, इसे गुड़ ही खिलाते हैं। क्या बताइए, गुड़ खाती रहो और जल्दी जल्दी इसके पाँव लग जाए। अब इसने गुड़ खाना शुरू कर दिया, इसे महसूस ही नहीं हो रहा कि इसके साथ क्या हो रहा है। अब कीले लगती जा रही है लेकिन ये अपने गुड़ के चक्रों में। अच्छा चापर के साथ तो नहीं खाना ना, आराम से मैं खिलाता हूँ। इसको 6 कीले लगी हैं और 6 की 6 कीले बाहर को आ चुकी हैं, और चचा कह रहे हैं कि अभी जादू होने वाला है, ये सारी कीलें गायब हो जाएंगी। एक पाँव तैयार हो चुका है और मैं आपको दिखाता हूँ कितना प्यारा लग रहा है। यार ये देखें बिल्कुल शेप में आ चुका है, और दूसरे को देखें कितना ख़राब सा हुआ हुआ है, और थोड़ी सी देर के बाद ना ये वाला पाँव भी बिल्कुल सेम इस तरह का हो जाएगा। जादू तो होगा, देखो एक को जादू हो गया है ना तो दूसरे को भी जादू हो जाएगा, तो वैसा हो जाएगा, फिर उनका भी जादू हो जाएगा। इनका जादू होगा या नहीं होगा? इसका तो सफाई मफाई करेगा, ठीक है, नैल इसको नहीं लगाने, इसको पहले चेक करने हैं, ठीक है, अगर जरूरत पड़े तो लगा दूंगा, नहीं पड़ा तो नहीं लगा, ठीक है। सिर्फ सफाई होगी, सिर्फ सफाई होगी, जादू नहीं होगा। हमारा भी जादू हो जाएगा, यूं करके जाएंगे, भाग के जाया करेंगे, भाग के जाया करेंगे, भाग के जाया करेंगे, चाचा जादू करेंगे और फिर हम शाम को जादू करेंगे। चचा ने हमारी रोज के पाँव बना दिए और चचा अब जा रहे हैं, और माशाल्लाह से रोज के पाँव बहुत ज्यादा प्यारे लग रहे हैं। यार ये देखे फ्रंट वाले दोनों पाँव और बैक वाले भी बिल्कुल ऐसे गोल शेप में बना दिए हैं, और अभी हमारी रोज काफी रिलैक्स फील कर रही है। लेकिन बाहर काफी ज्यादा तेज धूप है, इस वजह से ना हम रोज को बाहर घुमा नहीं रहे, थोड़ी सी देर तक हम रोज को निकालेंगे, फिर जो पक्का रोड है उसके ऊपर भी चलाएंगे और फिर कच्ची जगह पर भी लेके जाएंगे, फिर हमें पता चलेगा कि हमारी रोज भागती है या नहीं भागती। ऊपर लोरी ने मुझे देखकर शोर मचाना शुरू कर दिया, और इधर राजू मेरी तरफ देख रहा है, तो पहले मुझे राजू को उठाना चाहिए, कहीं ऐसा ना हो बाद में राजू गुस्सा कर जाए। आ जाओ, ये देखें अभी कोई मैं 1 मिनट भी लेट नहीं हुआ, आ रहे आओ आ जाओ। अच्छा आहिस्ता आहिस्ता ना, राजी करना पड़ेगा, ऐसे तो नहीं आएगा ना। आज तो मैं किसी के पास भी नहीं गया इसीलिए मेरे पास आने की कोशिश करें, अगर मैं लोरी को उठा लेता ना पक्का इसने मुझे काटना था, तो इसलिए एक ट्राई और करते हैं। राजू आ जाओ, चलो आ जाओ आ जाओ। मैंने लोरी को नहीं उठाया यार, बिल्कुल भी नहीं उठाया, अब तो तुम्हें मेरे पास आना चाहिए। समझाना चाह रहे, कोई बात करना चाह रहे, हाँ क्या हुआ है? ये देखिए ये कुछ कहना चाह रहा है, अच्छा अच्छा ठीक है, आना भी चाह रहा है, और जब मैं आगे उंगली करता हूँ तो ये वापस भी चला जाता है। नाराज है यार किसी बात पे, कुछ बात जरूर है, अब आ नहीं रहा। तो राजू फिर मैं जा रहा हूँ, ठीक है ना, तुम्हारा आखिरी फैसला है ना,
ये देखो अभी मैं जा रहा हूँ, थोड़ी सी देर के बाद आऊंगा यार, अभी तो फिलहाल वो बहुत मुझे गुस्से में लग रहा है। ये देखें दोस्तों, रोज अब ना पहले से ज़्यादा मस्ती कर रही है। जब से इसके नैल लगे हैं ना, इसके ऊपर हमने सैडल डाली है, मैं इसके ऊपर बैठा हूँ, इसने दो काम किए, एक तो इसने मेरा जूता तोड़ दिया और दूसरा इसने मुझे गिराने की कोशिश की है। तो अभी फिर से एक ट्राई करते हैं यार, मैं तो डर रहा हूँ कहीं ये बैर ले जाकर ना मुझे कहीं गिरा ही ना दे, इसलिए एक दफ़ा फिर मैं यहाँ पर ट्राई करूँगा और फिर उसके बाद ही। क्या हो गया, जब से तुम्हारे पाँव लगे हैं ना तुम कुछ ज़्यादा ही फ्री हो रही हो हैं, ऐसे ना जान बूझ के मस्तियाँ, कभी वो वाली टांगे मार रही है, कभी ये वाली टांगे मार रही है, मुझे ऊपर बैठने ही नहीं दे रही, ऐसे जैसे ये बिल्कुल आज़ाद हो गई है। माशाल्लाह हमारी रोज दोस्तों चल पड़ी है, अब खुद ही चले जा रही है, इसे मैं रोकता हूँ ना, रुकती भी नहीं है, मज़े से और मस्तियाँ भी कर रही है। अब यहाँ पर तो ये ठीक हो गई है, लेकिन एक प्रॉब्लम है, ये सीधा यहाँ से ना अपने घर के पास जब पहुँचती है ना तो वहाँ पर जाकर रुक जाती है, इसका दिल करता है घर के अंदर चले जाए, तो इसलिए अभी यहाँ से हम उतरेंगे और इसे लेके जाएंगे बाहर पक्की जगह पर, फिर वहाँ पर भी देखते हैं ये दौड़ती है या नहीं, पता तो चल जाए ना, ऐसे इतनी मेहनत करने का फिर क्या फ़ायदा। यार हमारी रोज तो भागती है, हमें लगा कि शायद ये कभी भी नहीं भागेगी, देखिए कितने मज़े से उसे लेकर भगा रही है और हम समझते रहे कि शायद ये भागती नहीं है। रुक जाओ रोज, मैं भी ऐसे ही चाहता हूँ ना, तुम सवारी करवाओ मुझे, लेकिन ये सवारी करवाती नहीं है। ये पता है मसला क्या है कि ये सवारी पे लगी हुई नहीं थी, जहाँ से हम लाए हैं शायद उन्होंने इसे कभी सवारी करवाई नहीं है, और ये पहली दफ़ा ही इसने सैडल देखी है इसलिए परेशान हो रही थी। अभी हमें पता चल चुका कि ये भागती है और ये बहुत जल्द, अभी मैं भी ट्राई करता हूँ एक इसे भगाने की, यहाँ पर बस घिर ना जाऊँ, ये डर है क्योंकि ये तो ट्रेन है ना बिल्कुल, और मैं ट्रेन नहीं हूँ। ओहो गुस्सा कर रही है, अच्छा ठीक है, ये क्या खुश हो रही है, गुस्सा कर रही है, अच्छा ऐसे खुश होती है, ऐसे ये खुश होती है, मुझे लगा गुस्सा कर रही है। ये पहले दिन की ट्रेनिंग का रिजल्ट मैं आपको दिखा रहा हूँ, चलो फिर रुको, ये चीज़ ऐसा ही से होना चाहिए यार, हमारे तो ये काबू में नहीं आती, और देखें बिना रस्सी उसने पकड़ी हुई है भी नहीं है और कैसे जा रही है, ये ट्रेनिंग का ये असर होता है, तो इसलिए आज से तो इसकी पक्की ट्रेनिंग। हम तो यही समझ रहे थे कि यार ये हमारे किसी काम की नहीं है, मैं तो यही सोच रहा था कि हम इसे दे देंगे, लेकिन देखें कैसे मज़े से जा रही है। अरे वाह, जहाँ पर वो रुकता है रुक जाती है, जहाँ से वो चलता है चल पड़ती है। अब तो इससे आगे से पता है कि इसका घर किधर है, या सीधा अपने घर में जाएगी या फिर पानी पिएगी। वैसे पानी वहाँ पर पीती है, नहीं पिलाना ना, अभी नहीं पिलाना, पानी ये वहाँ पर पीती है और ये जा भी नहीं रही। नाराज़ लग रही हो, आज तुम्हारी ट्रेनिंग हुई है, ओहो गुस्सा कर रही है यार, कोई बात नहीं, अभी हम इसकी सैडल उतारते हैं, खोलते हैं, तुम्हें फ्री करते हैं और फिर तुम अच्छे से खाना खा लो, कल से ऐसे ही होगा, सवारी करवानी पड़ेगी। यार ये भालू सुबह से नाराज़ है, जब से मैंने इसे नहलाया ना, अब ये देखें बेला इधर आना, ओ बालू आ गया, राजी हो गया, खुद आया, काफ़ी देर से मैं इसे बुला रहा था, मेरे से दूर दूर जा रहा था, प्यारा भालू राजी हो गया, शुक्र है यार। अभी अगर दुम हिलाएगा ना तो इसका मतलब है ये राजी हो गया, हिलाओ ऐसे ऐसे, दुम से खेलता है ना था तो ये राजी हो जाता है, मुझे नहीं लगता ये राजी हुआ है, भागने की कोशिश कर रहा है, वरना ये तो बड़ा भालू, अभी पता चल जाता है राजी हुआ है कि नहीं हुआ। भालू यार ये बेला के पीछे पीछे आ रहा है, मेरे लिए नहीं आ रहा, ये तो आया प्यारा भालू, अब तो मैं एक हफ्ते बाद नहलाऊंगा, चले जो मैं इधर देखता हूँ, यहाँ पर भी नहीं है यार, राजा हमारा गायब हो चुका है, यहाँ से सुबह से खुला हुआ था ना, आज़ाद था ना, आज चारों रानियाँ यहाँ पर है, छतों पे देखो इस तरफ भी वो चला जाता है जब आज़ाद होता है, मैं उसे देखता हूँ यार, मुर्गियों के घर के अंदर पता नहीं कहाँ चला गया है, अभी हम वापस आए तो हमें पता चला कि वो यहाँ पर नहीं है, जब हम गए थे तब वो इधर ही घूम रहा था, तो थोड़ी सी देर पहले यहाँ से निकले, मुर्गियों के साथ भी आ जाता है, नहीं है यार यहाँ पर तो, ये तो बिल्कुल यहाँ पर नहीं है, अभी उसकी टेंशन शुरू, अब उसे ढूंढने और ऊपर से अंधेरा पड़ रहा है, कहीं ऐसा ना हो कोई उसे पकड़ के ना ले गया हो, किधर है, आने दो आज इसे वापस, एक काम करो इस साइड से नीचे उतरो, उसे वापस ले के आओ, और पहले भी उधर जाता था ना तो हमने पर काट दिए थे, फिर पर आ गए हैं, अब वापस पकड़ के आज फिर दोबारा से पर काटने पड़ेंगे ताकि फिर उधर ना जा सके। डायनासोर को देखें, रात को भी इन्हें सुकून नहीं मिलता, पूरी रात ऐसे ही पानी पीते रहते हैं और इनकी आवाज़ें आती रहती हैं। थोड़ी सी देर पहले ना इनकी लड़ाई हो गई थी छोटू गैंग के साथ, तो छोटू गैंग ने इतना ज़्यादा शोर मचाया, एकदम से हम सारे बाहर निकले तब पता चला कि डायनासोर छोटू गैंग के साथ लड़ाई कर रहे हैं, तो खैर इनकी लड़ाई तो
दोस्ती दुश्मनी चलती रहती है, क्योंकि एक जगह रहते हैं ना तो कभी एक दूसरे से लड़ रहे होते हैं, कभी एक दूसरे के साथ इकट्ठे दाना खा रहे होते हैं, पानी पी रहे होते हैं, तो इनका तो ये चलता रहेगा। तो आज का जो ब्लॉग था यहीं तक था, आज के ब्लॉग को करेंगे यहीं पे ख़त्म। मुझे रखिएगा अपनी दुआ में याद अगले ब्लॉग तक के लिए, मुझे दीजिए इजाज़त तब तक के लिए, अल्लाह हाफिज़। इनको देखें कैसे स्टिक के ऊपर लाइन में बैठे हुए यार, यहाँ से तो नज़र ही नहीं आ रहे। एक मिनट मैं दरवाज़ा खोल के आपको दिखाता हूँ। अब देखें पाँचों के पाँचों एक लाइन में।